हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने स्टार्ट करूंगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन। कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है या वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, टू डायमेंशन का कर्व, जैसे एक सर्कल है, अगर उसको हम रोटेट करेंगे अबाउट द एक्स एक्सिस तो एक स्फेयर दिखेगा। तो जो उस स्फेयर है उसका सरफेस एरिया किस तरह से निकालते हैं, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको सिखाया था कि उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आई है, उस पर आप क्लिक करें, उस पर आपको नोटिफिकेशन बेल में दिख जाएगा कि वो क्या था, उसमें मैंने क्या कंटेंट कवर किया था। और इसको समझने से पहले आपको कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट भी आपको समझना पड़ेगा, सो आप वो भी रेफर करें, एक बार देखें, उसके बाद फिर इसको देखें तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि टू डायमेंशन का कर्व अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उसका सरफेस एरिया किस तरह से निकालते हैं, है ना। तो सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है, एस से डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला होता है 2π/√1+dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx एंड x1 से x2, अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, राइट। अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो यहां पे इसकी लिमिट होती है y1 से y2, 2π dx हो जाएगा, राइट। और यहां आएगा 1+dx/dy का होल स्क्वायर इंटू dy, अगर ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ऐसा आएगा। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, और बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, और वो है हमारे पास x² + y² = a², ये एक सर्कल है, राइट। अगर आपसे बोले कि ये सर्कल एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसका जो दिखेगा, जो शेप दिखेगा, उसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो स्टूडेंट ये सर्कल है और ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। हम जानते हैं इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, 0, और मैंने आपको बताया था वॉल्यूम वाले चैप्टर में कि जब ये कोई भी टू डायमेंशन का कर्व एक्स एक्सिस का अबाउट रोटेट करता है तो उसके अपर हाफ की लिमिट हमारे काम की होती है, लोअर हाफ के काम की नहीं होती। क्योंकि अगर इस लोअर हाफ को हटा भी दिया जाए, अगर मैं इसको बोलूं कि ये नहीं भी है तो भी आपको स्फीयर ही दिखेगा, है ना, मतलब इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे अपर हाफ की लिमिट को ही काम लेंगे, लोअर हाफ को काम नहीं लेंगे, राइट। सो हम यहाँ पे हमारा फार्मूला ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, s = मैं सबसे पहले इसकी लिमिट लूंगा, है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं x कहां से कहां तक जा रहा है, x 0 से a जा रहा है, राइट। x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, मैक्सिमम कितनी है, a है। और हम इसको ट्वाइस कर देंगे बिकॉज ये वाला भी हमें कवर करना है ना। स्टूडेंट कभी कभी गलती से 4 times कर देता है, विच इज नॉट राइट, आपको 2 times करना है, क्लियर। नाउ क्या आएगा यहां पे, 2π y। अब यहां पे आपको dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो बेटा इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं यहां पे आपको डिफरेंशिएट करके समझाना चाहता हूं कैसे आएगा ये 2x + 2y dy/dx = 0, देन dy/dx की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस का x/y, और ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए आप 1 + ये इसका स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर होगा x² / y² / dx, राइट। नाउ इसको हम LCM लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 2 और 4π तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 0 से a y, और मैं इसका LCM लूंगा तो ये आएगा y² + x² / y (dx). सो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड s = 4π 0 से, और आप देख रहे हैं x² + y² इसकी वैल्यू कितनी है, a², तो ये अंडर रूट में a² आ जाएगा। नाउ ये a हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 4π a, एंड इसका इंटीग्रेशन dx का x होगा लिमिट 0 से a, सो s = 4π a, और ये आएगा a - 0, सो आंसर इज 4π a². सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और यही इसका क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। सो इस पे मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व x = t² and y = t - 1/3t³। इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था जिसमें आपको वॉल्यूम मैंने सिखाया था, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कवर किया था, बट वहां पे डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी थी, यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन ना देखें, यहाँ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से आपको पहले इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद कर्व को ट्रेस करना पड़ेगा, तो वही वाला क्वेश्चन हो जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया था वॉल्यूम वाले वीडियो में, राइट। तो आप वहां देख सकते हैं ना, और वहां पे भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा दे रखा है और उसका वॉल्यूम निकालना है, तो भी आप दोनों क्वेश्चन एक जैसे आप देख लीजिएगा, राइट। सो देखिए आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो y = मैं यहाँ t कॉमन ले लेता हूँ, 1 - 1/3 t², और यहां से मैं t की वैल्यू निकालूंगा, तो स्टूडेंट्स t की वैल्यू आपके पास आ रही है √x, ये t की वैल्यू उठा के आप यहां रखेंगे
तो y इज इक्वल टू रूट एक्स वन माइनस वन बाय थ्री और t स्क्वायर की वैल्यू है x, देन आप 3 का एलसीएम लेंगे. सो y इज इक्वल टू रूट एक्स 3 माइनस एक्स अपॉन 3, देन इसका होल स्क्वायर करेंगे. होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ये 9 इधर ले लीजिए, y स्क्वायर एक्स 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. या थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर. माइनस कॉमन निकालने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट. अब हम क्या करेंगे, इससे जो लूप बनेगा उस लूप का, वो लूप x एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, राइट. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये आप वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में भी देख लेना, इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया था. सो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, तो स्टूडेंट एक्स एक्सिस पे हम कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो करेंगे, y, और इस y को जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू जीरो और 3 आएगी. तो ये यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, और ये आएगा 0,0, और ये ऐसा लूप बन रहा है, राइट. वहां पे जो मैंने बताया था वहां पे a था, राइट, यहाँ पे 3 है. ये लूप किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना, राइट. सो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, मैंने बताया था आपको, s इज इक्वल टू 2πy 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx, और यहाँ आएगा x1 से x2. पर हमें यहाँ पे dy/dx चाहिए, बिना dy/dx इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट. तो हम इसका dy/dx निकालते हैं, कितना आएगा बेटा, इसको करेंगे तो ये आएगा 18y dy/dx. हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू v से. सबसे पहले इस x का किया तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर इस x को छोड़ा तो ये आएगा 2x माइनस 3, राइट. नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ से आप x माइनस 3 को कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ बचा x माइनस 3 2x, और यहाँ पे ये 18y से हमने डिवाइड कर दिया. सो दिस इज dy/dx. नाउ आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3x माइनस 3 और 3 को कॉमन निकाल दीजिए, सो ये आएगा आपके पास x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3, तो ये आएगा x माइनस 1 अपॉन 6y, राइट. ये वैल्यू उठा के आप वहाँ रखेंगे तो s इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट यहाँ लगेगी 0 से 3, राइट. और यहाँ ट्वाइस नहीं होगा क्योंकि अपर हाफ ही हमारे काम का है, लोअर हाफ हमारे काम का नहीं. अगर ये लोअर हाफ नहीं भी होगा तो भी इसको रोटेट करेंगे तो वही शेप दिखेगा जो अपर हाफ के घूमने से दिखेगा, राइट. सो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इधर ये आएगा आपके पास 2πy 1 प्लस बेटा dy/dx की वैल्यू आपके पास ही रह गई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, और इसका होल स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय, यह आएगा ये 36y²dx. कोई प्रॉब्लम? नाउ इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2π तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ. नाउ 0 से 3 और यह आएगा y, और इसका मैं एलसीएम लेता हूँ तो दिस इज 36y² प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन ये अंडर रूट से बाहर निकाल दिया तो 6y, और ये y से ये y क्या हो गया, कैंसिल. नाउ ये 2π/6 है, सो s इज इक्वल टू π/3 0 to 3. अब देखिए आप यहाँ पे आपको y स्क्वायर की वैल्यू दे रही गई है ना, तो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू वहाँ उठा के रखेंगे आप तो ये आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 36, और यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू आएगी x इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx. नाउ x माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, कॉमन आ रहा है, सो इसको कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 कॉमन ले लिया, और यहाँ हम देखेंगे तो ये 4 हो गया, सो दिस इज 4x, और x माइनस 3 कॉमन लिया तो बचाइए, इसको भी खोल ही दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dx. ये माइनस 2x में से 4x गया तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, ध्यान दीजिए क्या बचेगी आपके पास वैल्यू, s इज इक्वल टू π/3 0 से 3 x माइनस 3, और ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको अंडरूट से बाहर निकालेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, क्लियर. नाउ s इज इक्वल टू π/3, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इंटू dx. नाउ इसके हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, सो देखिए आप कैसे करेंगे इसका. नाउ दिस इज π/3, और यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x³/3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x लिमिट 0 से 3, और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो s इज इक्वल टू π/3, और यहाँ आएगा दैट इज 27, सो दिस इज 9 माइनस 9
माइनस नाइन और जीरो पे जीरो हो जाएगा, तो नाइन से नाइन क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, सो दिस इज माइनस का थ्री पाई और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, सो प्लस थ्री पाई इज द आंसर। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देख, लास्ट क्वेश्चन और लूंगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सो एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे इस टॉपिक पे हम, और वो क्वेश्चन ये है, फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द स्पाइंडल शेप्ड सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग एस्ट्रॉइड अबाउट एक्स पावर टू बाई थ्री प्लस वाई पावर टू बाई थ्री इज इक्वल टू ए पावर टू बाई थ्री अबाउट द एक्स एक्सिस, राइट। ये मैं आपको बता चुका हूँ किसमें, वॉल्यूम वाले चैप्टर में, है ना, तो वो आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे मैंने इसका वॉल्यूम कैसे निकालना सिखाया था, अबाउट द एक्स एक्सिस रिवॉल्व कर रहा था ना, वो आज मैं बताऊँगा सर्फेस एरिया, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और आता रहता है ना, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका शेप बता दूँ मैं, इसका शेप इस तरह से होता है, आपको शेप याद रखना पड़ेगा क्योंकि, और ये अबाउट किसके रोटेट कर रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, राइट। तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन के आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट याद होने चाहिए, तो a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, इसके क्या होते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट होते हैं जो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, और कोऑर्डिनेट से आप सभी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, राइट। ये इस कर्व को जनरेट करता है ना। नाउ अब आपको मैंने वो सरफेस एरिया का फार्मूला बताया था 2 पाई y, यहाँ पे जो 1 प्लस dy बाई डी एक्स की जगह इसका फार्मूला हो जाएगा dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, और ये लिमिट हो जाएगी थीटा 1 से थीटा 2, ये इसका फार्मूला होगा, राइट। अब यहाँ थीटा है तो आप जानते हैं हम इसकी अपर हाफ की लिमिट लेंगे, लोअर हाफ तो लेंगे नहीं, और आप जानते हैं यहाँ थीटा कितना होता है 0 डिग्री, और यहाँ थीटा कितना होता है पाई बाई टू, है ना। अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस की बात नहीं करें तो हम क्या करेंगे, 0 से पाई बाई टू लेके ट्वाइस ले लेंगे, राइट, है ना। तो वही काम करने वाले हैं, सो s इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा ट्वाइस 0 से पाई बाई टू पाई, है ना, 2 पाई, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी है a साइन क्यूब थीटा। नाउ अब इसका डिफरेंशिएशन देखिएगा आप, है ना, डी एक्स डी बाय डी थीटा, राइट। तो देखिए आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 आगे आएगा, 3 a कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का होता माइनस का साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। नाउ डीवाई बाई थीटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 3 आगे आएगा, 3 a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का कितना होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, राइट। अब हम क्या करेंगे इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, सो देखिए आप कैसे करेंगे, एस इज इक्वल टू बाहर आया तो दिस इज 4 पाई, ये a है तो बाहर निकाल लीजिए इसको, 0 से पाई बाई टू साइन क्यूब थीटा। नाउ आप देखेंगे इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं अपन, तो ये आएगा 9 ए स्क्वायर कॉस 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 ए स्क्वायर साइन 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। नाउ अब यहाँ से आप देखेंगे तो 9 ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लीजिए, है ना। सो एस इज इक्वल टू 4 पाई ए, बाहर आएगा 0 से पाई बाई टू, तो 9 ए तो ये 3 बार आ जाएगा, और साइन थीटा कॉस थीटा भी हम बाहर कॉमन निकालेंगे, तो ये बाहर कॉमन निकाल दिया, अंदर ये साइन क्यूब थीटा तो ऑलरेडी ही है, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है ना। तो ये अब जो आगे की स्टेप्स आएंगी वो देख लीजिए आप, एस इज इक्वल टू 4, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सो दिस इज 12 पाई ए स्क्वायर लिमिट 0 से पाई बाई टू, और आप देखेंगे तो ये आ रहा है आपके पास साइन 4 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। और लास्ट क्लास में मैंने गामा बीटा बताया था आपको, वैसे आप साइन को टी मान लीजिए, कॉस थीटा डी थीटा डी टी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, पर मैं आपको गामा बीटा बता देता हूँ। गामा बीटा का शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखाया था, है ना। तो क्या आएगा, ये 4 है तो इसमें 1 ऐड करिए 5 बाई टू, ये 2 है 1 इसकी पावर 1 है तो इसमें ऐड करिए 2 बाई टू, दोनों को ऐड कर लीजिए दैट इज 7 बाई टू। जो स्टूडेंट नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूँ, 0 से पाई बाई टू साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा डी थीटा अगर होता है तो इसका फार्मूला होता है गामा पी प्लस 1 बाई टू गामा क्यू प्लस 1 बाई टू डिवाइडेड बाई ट्वाइस गामा पी प्लस क्यू प्लस 2 बाई। और यहाँ बता दूँ गामा 4 की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 2 इंटू 1, और गामा अगर 5 बाई टू अगर आपसे पूछे तो एक एक कम करते हैं 3 बाई टू 1 बाई टू एंड गामा 1 बाई टू, और गामा 1 बाई टू की जो वैल्यू होती है वो रूट पाई होती है। ये कंसेप्ट मैंने
वॉल्यूम वाले चैप्टर में भी लगाया था, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, हम इस वाले कंसेप्ट के लिए देखिए आप इस चैप्टर में आगे आप समझेंगे यहाँ पे कंसेप्ट। सो देखिए आप एस इज इक्वल टू 12 पाई, तो ये 2 से कैंसिल हुआ तो दिस इज 6 पाई a स्क्वायर। नाउ इसको करेंगे तो ये आएगा 3/2, 1/2, गामा 1/2, और गामा 2/2 1 होता है तो उसका मतलब नहीं है, है ना। ये आएगा 5/2, 3/2, 1/2 एंड गामा 1/2। ये पूरा से ये पूरा कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया, तो एस इज इक्वल टू 12 पाई a स्क्वायर अपॉन 5, दिस इज आंसर। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, देखते रहिए आप मेरा वीडियो, और कमेंट और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको शेयर करिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इसके बाद अगला जो टॉपिक लेने वाला हूँ मैं, डबल इंटीग्रेशन के अंदर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, कैसे हम किसी भी इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं। थैंक यू।